पा रहे हैं सेफ स्टडेड डाटा सक्सेसफुली। मतलब नमस्कार सलाम आदाब साथियों, मैं नाम अब्दुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम क्रिएटर में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊं कि इस शिक्षा कोर्स का जो वेबसाइट है उसमें कैसे आप सिर्फ सैटरडे सुरक्षित शनिवार का डाटा अपलोड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है अपने गूगल क्रोम के ब्राउजर में, यहाँ पर टाइप करना है sarkarinaukri.co.com। टाइप करने के बाद जैसे सर्च करेंगे तो मेरा ऑफिशियल वेबसाइट निकल जाएगा, जिसमें क्या करेंगे आप करें फिर GS इत्यादि का आप क्विज दे सकते हैं ऑनलाइन। साथ ही यहाँ पर आपको लेटेस्ट जॉब की जानकारी मिलेगी, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इन्हीं की आप वेबसाइट खोल दिया तो सोच रहे होंगे कि क्या बता रहे हैं। आपको जो सेफ सैटरडे में सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत जो आप गतिविधि किए हैं, जो भी एक्टिविटी की है, उसका विवरण ही अपलोड करने के लिए बताएंगे। इसके लिए कंप्लीट वॉच कीजिएगा, इसके लिए करना है तो यहाँ पर लेटेस्ट जॉब की जानकारी इत्यादि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, उस ग्रुप से जुड़ जाए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा या फिर जो भी वेबसाइट में पोस्ट अपलोड की जाएगी उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से दी जाएगी। आपके उसका जो भी होगा आप देख लीजिएगा। तो चलते हैं हम क्या करते हैं इस शिक्षा कोर्स में, कैसे आप क्या करेंगे सेफ सैटरडे मतलब सुरक्षित शनिवार का डाटा एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर एक सेक्शन बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर इस शिक्षा कोर्स रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल अपडेट से संबंधित पूरी जानकारी दी गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आप क्या किए होंगे, रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल अपडेट कर ले होंगे। अगर नहीं किए हैं तो यहाँ जो बताया गया प्रोसेस के आधार पर, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वो देख करके मैं बताया हूँ कि कैसे करना है। साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपको रजिस्ट्रेशन करने और प्रोफाइल अपडेट करने के समय, इसे यहाँ पर लिस्ट दी गई है। तो कंप्लीट वो कर रहे होंगे, हम चलते हैं राइट ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे इस शिक्षा कोर्स का वेबसाइट का लिंक है। इस पर क्लिक करने के बाद हम आते हैं वेबसाइट में। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब यहाँ करना क्या है कि इस शिक्षा कोर्स में जो सेफ सैटरडे सुरक्षित शनिवार का जो एक्टिविटीज अपलोड किया जाएगा विवरणी, तो यहाँ पर स्कूल लॉगिन से होगा, ठीक है, ध्यान रहे। चाहे फोकल टीचर हैं तो जरूरी नहीं कि फोकल टीचर ही एंट्री करेंगे, अगर फोकल टीचर को जो फोकल नामित टीचर को अगर प्रिंसिपल आईडी पासवर्ड आईडी मतलब डायस कोड तो पासवर्ड अगर बता देते हैं, वो खुद से भी कर सकते हैं या फिर ये तो जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रिंसिपल की है। तो सबके सहयोग से जैसे भी हो आप प्रिंसिपल करें या फिर फोकल टीचर जो भी करें वो काम कर लेना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, स्कूल का डायस कोड पासवर्ड जो क्रिएट किया गया है, ठीक ना, मैनुअली पासवर्ड होता है प्रिंसिपल का जो लॉगिन का होता है, ES स्मॉल में है सब, ES KS@4321, तो ये सबका रहता है, ठीक ना। तो आप जो है फर्स्ट टाइम अगर लॉगिन कर रहे हैं तो इससे किए होंगे या फिर अभी कर रहे हैं, तो इसको भी पासवर्ड को चेंज कर दीजिए। कैसे चेंज करना है वही वीडियो बन चुका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख रहेगा। तो यहाँ पर जो भी मेरे प्रॉब्लम है जैसे कि 4×3 4×12 यहाँ फिल कर लेंगे, बाकी कोड फिल करने का हम साइन पर क्लिक कर लेते हैं। साइन पर क्लिक कीजिएगा आप सभी डिटेल्स फिल करने के बाद, तो यहाँ पर आपका इस तरीका शो होगा। हम इसको कंटिन्यू पर क्लिक करके कट कर देते हैं। देख पाइएगा कि यहाँ बहुत सारे चीज़ है, लेकिन हम क्या करना, सेफ सैटरडे सुरक्षित शनिवार का कहाँ पे ऑप्शन है ये आपको यहाँ पर विवरणी अपलोड करना है। तो इस पर सेफ सैटरडे पर जैसे ही क्लिक करते हैं, अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मैं अपने वेबसाइट का जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा इस पोस्ट का भी, तो ओके पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर 3 आइकॉन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आपको देखिए सेफ सैटरडे सुरक्षित शनिवार इसका मतलब एंट्री यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। कैलेंडर का मतलब जो वार्षिक, आपको पता होगा फोकल टीचर या प्रिंसिपल भी है तो आपको पता होगा कि वार्षिक जो दिया गया मंथ वाइज मतलब कौन मंथ के, जैसे मान के चलिए अक्टूबर मंथ से अक्टूबर महीने के फर्स्ट सप्ते में कौन सी करना है, वो टॉपिक हुआ कौन सी बच्चे को बताना है, उसी के आधार पे यहाँ पे क्या दिया, कैलेंडर भी दिया गया आपके पास हार्ड कॉपी में भी होगा, या तो आप कमेंट करेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम क्या करेंगे ये PDF का लिंक दे देंगे, वो भी अगर आप बोलेंगे तो। यहाँ पर 3 आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से हम हट जाते हैं क्योंकि एंट्री पर तो एक बार क्लिक किए हुए, अब आ जाते हैं सबसे नीचे। वो कुछ तो सोने हो रहा है लेकिन आपको क्या करना, खोजर पर क्लिक कीजिएगा। जैसे खोजर पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ऊपर हम देख लेते हैं कोई रिकॉर्ड यहाँ पर नीचे शो नहीं हो रहा, तो करना क्या है सबसे ऊपर आ जाना है। आपका लिखा हुआ है मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार से संबंधित गतिविधियों का विवरण दर्ज करें, दर्ज करें या व्यू पर क्लिक करेंगे रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट नहीं नीचे शो हुआ। करने का मतलब क्या कि अब तक आपने कोई भी रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है, लेकिन विभागीय स्तर से आपको अगर बोला गया है तो आपको 100% क्या करना है, अपलोड करना है। इसलिए एड जोरे पर क्लिक कीजिएगा, एड वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, आपके स्कूल का सभी डिटेल्स यहाँ फिल हो जाएगा, जैसे कि डायस कोड स्कूल का और यहाँ पे संकुल ब्लॉग इत्यादि का नाम शो होगा। नीचे हम यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि एक्टिविटी डेट, तो आप जानते हैं कि सुरक्षित शनिवार क्या होता है, सैटरडे को ही होता है, तो सैटरडे का ही फिल करना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो भी डेट में आप किए हैं तो यहाँ पर क्या है, अक्टूबर मंथ है, अभी अक्टूबर में हम करें जब भी कीजिएगा वो डेट डालना है, और सैटरडे तो 7 तारीख का है तो 7 तारीख यहाँ पर फिल हो गया ऑटोमेटिक, ठीक ना। अब यहाँ पर
क्या लिखा हुआ है, ये क्या विद्यालय में गतिविधि संचालित की गई, तो ये बॉक्स पर क्लिक करके आपको चुनना है कि हाँ या नो, क्या गया है तो यस पर क्लिक करना आपको तो करना है। यस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो फिर यहाँ पर कुछ डाटा मांगकर जो कि हम देख लेते हैं, यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम है, हिंदी में हम समझाते हैं कि आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, तो आपको यस करना है, मतलब आपको गठित करना है। उसके साथ ही यहाँ पर क्या लिखा कि क्या विद्यालय के छात्रों द्वारा हजार हंड किया गया, मतलब जो हजार हंड होता है क्या आपको पता होगा, ऐसा जगह जो जोखिम भरा जगह है, ठीक है, उसकी चिन्हित किया गया है, तो यस करना है आपको। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कहीं बिल्डिंग टूटा फटा हो या रास्ते में आने जाने में कहीं दिक्कत है, कहीं गड्ढा उड्ढा है, ये सब होता है, जानते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर क्या विद्यालय प्रबंध समिति प्रबंध क्या विद्यालय की आपदा प्रबंध योजना बनाई गई है, तो यहाँ पर आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ पर विद्यालय में बाल प्रेरकों की कुल संख्या कितनी है, तो जो भी है आपका, जैसे कि मान के चलिए आप आठ है, प्रेरक को होता है क्या, देखिए आपने ट्रेन कर दिया उनको प्रेरक के रूप में, तो आठ दे दिए हैं हम, आप आगे पीछे कमोबेश करके कुछ भी जो बनाया हो दे सकते हैं। अब यहाँ पर टोटल एनरोल 100 होगा, लेकिन कभी कभार होते हैं क्या है कि पिछले का डाटा है यहाँ पर, उससे लिए ज़्यादा 100 हो रहा है, आपका कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कोई घबराने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि कार्यक्रम में भाग लेने छात्रों की संख्या, तो कितने बच्चे कार्यक्रम में भाग लिए, जितने बच्चे उपस्थित हुए उस दिन उतने ही बच्चे का यहाँ पर दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि कार्यक्रम हेतु विद्यालय में किसी एक शिक्षक को नामित किया गया, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है, मतलब सभी ऑप्शन में क्या होगा, यस होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जमा करने पर क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो बता रहा है कि पांचवा जो है, अच्छा यहाँ पर क्या गणित है देख लेते हैं, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, स्कूल में बाल गुरुओं की, अच्छा प्रेरक अभी समझ गए, प्रेरक किसको बोलते हैं, जो बच्चे ही उसमें से हैं आप उनको क्या करें हैं, ट्रेंड किए हैं, ट्रेंड, तो वहाँ पर क्या देना है आपको, अधिक से अधिक पाँच देना है, मतलब पाँच से अधिक नहीं होगा, तो प्रेरक उसमें कितना हो जाएगा, पाँच, तो यहाँ पर पाँच दे दीजिएगा। आठ, जैसे हम आठ इसलिए दी कि आठ ट्रेंड किए थे, लेकिन यहाँ पाँच देना थे, स्पष्ट वहाँ हिंदी में लिख भी दिया बाल गुरु, समझ गए आप और बेहतर से। सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका क्या बता रहा है, जैसे कि देख पा रहे हैं सेफ सरडे डाटा सक्सेसफुली, मतलब आपका जो सेफ सरडे का डाटा सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब बहुत सारे साथी कमेंट करेंगे सर, या फिर उस मन में भी क्वेश्चन आता होगा कि सिर्फ फोटो या वीडियो वगैरह कहाँ अपलोड करने का ऑप्शन आया, तो वो भी देखिएगा अभी, ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर चलते हैं हम यहाँ पर खोजे पर क्लिक करते हैं, जैसे ही खोजे पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर नीचे आने के बाद नीचे देख लेते हैं स्कूल का यहाँ पर नाम वगैरह शो होगा, फिर देखते हैं इसको क्लिक करके राइट साइड लेके चलते हैं, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अभी क्या था टॉपिक, आप लिखे भी होंगे छठ दशहरा वगैरह का ये सब था, ठीक है ना। तो ये एक्टिविटी जो आपका क्या हो गया, यहाँ पर सेव हो गया। इसी तरह हर सैटरडे को आपको क्या करना है, सेफ सैटरडे सुरक्षित शनिवार का यहाँ पर डाटा क्या करना है, मतलब कितने बच्चे भाग लिए, यही चेंज होगा, ऑपरेटर की संख्या जो है तो वो रहेगा ही। तो ये थी जानकारी, इसी प्रकार क्या करेंगे हम अपडेट कर पाएंगे। अब तो वीडियो को लाइन की तरह लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।